नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेन थीटा इक्वल टू 5/12, तो साइन थीटा का मान क्या होगा आपको बताना है। टेन थीटा बराबर, देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो ये आपका 5 है और ये 12 दिया है, तो आपको एच निकालना है। तो एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट 5 के स्क्वायर है प्लस 12 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25 और 12 के स्क्वायर 144, तो 169 हो जाएगा, जो कि 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 हो जाएगा हमारा। तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एस, तो 5/13 हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तो वृत्त के परिधि बराबर आपका क्या होता है 2πr, तो हो जाएगा 2×22/7 और गुणे क्या हो जाएगा जी 28 है, तो 28 हो जाएगा, तो 7×4=28 और बर के परिमा बराबर 4×a होता है, तो 4 से 4 कट गया, तो a बराबर आपका क्या आएगा 44। तो यहाँ पे हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। उसके बाद सवाल है 3 नंबर, यदि 6, 8, 9, 1 तथा 13 का माध्य जो है 10 है, तो x का मान ज्ञात करें। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग तो होगा ना, 6, 8, 9, 1 जोड़ 13, अब बटा हमारा देखिए कितना 1, 2, 3, 4, 5 5 है, तो 5 हो जाएगा, इधर आपका माध्य कितना दिया है 10, 10×5=50, ये सब जोड़कर जो है हम घटा देंगे दूसरे तरफ भेजकर, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, आपको हम बता दें 3 नंबर क्वेश्चन है 14, ठीक है। उसके बाद है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको बताना है। तो दोस्तों आपको हम बता दें क्या होता है, बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। अब अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अपर में नहीं है, अपर में नहीं है आपको बताना है। देखिए अपर में नहीं है यानी कि रूट से बाहर हो जाएगा, तो वो अपर में नहीं है, यह 8 के स्क्वायर है और ये 9 का, तो 8/9 हो जाएगा, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6वां नंबर सवाल है आपका, यदि p+1 2p+1, तो p का मान आपको बताना है। तो आप जानते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा में से पहला घटाएंगे फिर इसमें से इसमें घटाएंगे, तो हमारा p का मान निकल जाएगा 6 नंबर में, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 2 इसका, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है, वह रेखा क्या कहलाती है आपको बताना है। तो वह रेखा जो दोस्तों कहलाती है स्पर्श रेखा, हमारा आंसर होगा बी नंबर। ये देखिए परिसर निकालना है, परिसर निकालते हैं उच्चतम मान में से न्यूनतम मान को घटा देते हैं, तो सबसे बड़ा 30 है, छोटा 9 है, तो हम इसमें से क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा डी नंबर, ठीक है। और कॉट 90 माइनस थी ए है, तो 10 ए हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद आपका सवाल है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, उनके संगत कोण बराबर होते हैं, उनके संगत भुजा एक ही अनुपात में हो, तो ये दोनों आंसर हो जाएगा 3-√3 है, तो ये आपको अपर में संख्या है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको हम बता दें 10/60, 10/60 का मान क्या होता है, तो 10/60 का आपका मान होता है √3, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए साइन 18 है, कॉस 72 है, 18 और 72 को जोड़ने पे आएगा आपका 90, और साइन बटा कॉस हो तो इसका ट्रिक होता है कि साइन बटा कॉस हुआ जोड़ने पे ये 90 आ जाए, तो आपका आंसर एक होता है, ठीक है, एक हो जाएगा 10a, तो कॉट 90 माइनस ए बराबर 10a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट 90 माइनस ए, तो ये नंबर आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद सवाल है, साइन ए बराबर 3/4 है, साइन ए बराबर 3/4 है, तो यहाँ पर आपका समकोण त्रिभुज होता है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है आपको लंब बटा कोण होता है, तो 3 और आपका कितना हो जाएगा 4 दिया हुआ है, बी निकालना है, तो अंदर रूट 4 के स्क्वायर और माइनस 3 के स्क्वायर, तो आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। कॉस ए निकालना है, कॉस है तो √7/4 आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।